अस्सलामुअलैकुम तलाल भाई, कैसे हैं? जी, खुर्रम भाई कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। एक दफा फिर आज हम आपके पास आए हैं, और आज हम आजकल नंबर के मुताबिक चल रहे हैं कि जी हर बिल्कुल। टायर का नंबर के मुताबिक लोग सर्च करते हैं तो उन्हें आइडिया मिल सके। तो आज आप कौन सा नंबर हमारे लिए सर, लेके हम आए? जो बात करने लगे हैं वो है 195-65-15, ठीक ये है, वाला 195-65-15। ये वाला साइज ऐसा है कि जो पाकिस्तान में ज़्यादातर सड़कों पे गाड़ियां हैं उसमें जो मैक्सिमम गाड़ियां हैं उसमें यही साइज़ अलावा आपकी करोला है, आपकी सिटी है, आपकी यारिस है, ठीक है। आप 195 यूज़ कर रहे होंगे। और 195-65-15 में आप ज़्यादातर, क्योंकि कार के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ज़्यादातर इको टायर्स चाहिए हैं, आपको ज़्यादातर हाई स्पीड टायर्स चाहिए हैं। तो उसके अंदर सर हम कलेक्शन लाए हैं। हम आपकी सबसे पहले हम आपको टायर दिखाना चाह रहा हूँ मैं, ब्रिजस्टोन ठीक है, इकोपिया। अच्छा ब्रिजस्टोन इकोपिया सर जो है वो मतलब जापान का सबसे ज्यादा बिकने वाला टायर है। अच्छा जी, ये जापान में सबसे ज्यादा जो सेल होता है वो ये वाला टायर है, और मैन्युफैक्चर थाईलैंड में होता है, अच्छा जी, क्योंकि रबर की प्रोडक्शन सर सारी थाईलैंड में है। तो ब्रिजस्टोन ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं वो थाईलैंड शिफ्ट कर दी हुई हैं। और ब्रिजस्टोन डालने का फायदा ये है कि सर कच्चे पे चलाएं, पक्के पे चलाएं, इंतहाई मजबूत टायर है। बेहतरीन होगा। ब्रिजस्टोन उन टायरों में शुमार होता है जो आप, हम अगर गांव के कस्टमर आते हैं हमारे पास जिनकी कच्ची सड़कें हैं, हम उनको भी रिकमेंड करते हैं, और जो जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मोटरवेज पे चला रहे हैं उनको भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये टायर दोनों जरूरतें पूरी करता है। ठीक हो गया, और ये टायर सर आपको मिलेगा 80,000 रुपये के चार। ठीक है, ब्रिजस्टोन इकोपिया EP150-300 सीरीज है, ये आपको 80,000 रुपये के चार मिलेंगे। और उससे आगे हम बात करेंगे कोरिया के टायर की, हैनकोक। हैनकोक सर कोरियन टायर है, और इसने भी अपना बहुत नाम बनाया है। ये सॉफ्टनेस की वजह से और ग्रिप की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर टायर है। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात सर, ये वाला मैं आपको दिखाऊं अगर, तो ये वाला ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि ये है वाइट लेटर टायर। इसमें आपको जो गुड्डी है उसकी साइड पे सफ़ेद लिखाई मिलेगी। जी ठीक है, ये वाइट लेटर टायर कंसिडर होता है। ये वाला टायर जो है ये ऑफ रोड ऑन रोड दोनों कंडीशंस के लिए बना हुआ है। और इसी के साथ हम जो दूसरे ऑफ रोड टायर्स की बात करते हैं, तो ये ब्रिजस्टोन के मुकाबले में सॉफ्टनेस में ज्यादा है, और ये सर आपको अवेलेबल है 68,000 के चार्ट है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद सर खुरम भाई नैनकिंग की बात करेंगे। ये आपके सामने नैनकिंग अवेलेबल है, ये 100, ये आप इसका अगर ये पैटर्न दिखा सकें तो ये 195-65-15 NA1 इको नेक्स्ट टायर है। चाइना, इको टेक्नोलॉजी जी सर, ये ताइवान का ब्रांड है और मैन्युफैक्चरिंग इसकी चाइना में है, और 2 साल कंपनी वारंटी के अंदर आई ये टायर। अच्छा जी, इसका इसका जो फायदा ये है कि इको टायर टेक्नोलॉजी डालने का फायदा ये है कि अगर आपकी हाइब्रिड गाड़ी है और आप अगर फ्यूल सेविंग अच्छी करना चाहते हैं, और अगर आप फ्यूल के मामले में या एवरेज के मामले में बहुत कॉन्शियस हैं, तो फिर आप इको टायर डालें। इको टायर से आपकी फ्यूल एवरेज बढ़ जाती है। अच्छा जी, इको टायर डालने का फायदा ये होता है कि आपकी फ्यूल एवरेज बढ़ जाती है। इको टायर नैनकिंग में भी आते हैं, इको टायर दूसरी कंपनियों में भी अवेलेबल है। तो ये जो है ये इको टायर नैनकिंग के अंदर अवेलेबल है। अच्छा ये हाइब्रिड के अलावा किसी और गाड़ी में भी डाल तमाम सकते गाड़ियों में डल सकते हैं, और तमाम गाड़ियों में फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर करते हैं ये। ठीक है, लेकिन हाइब्रिड को इसलिए टारगेट किया जाता है कि उसमें आपका सबसे ज्यादा फोकस ही फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर करने में होता है। इसी तरह सर अगर हम आगे चलें तो नैनकिंग का जो दूसरा पैटर्न आता है वो भी अवेलेबल है हमारे पास। उसके अंदर इकोनेक्स का जो दूसरा पैटर्न है वो भी अवेलेबल है नैनकिंग में। इस टाइम 3 पैटर्न अवेलेबल हैं, प्राइसेज इनकी डिफरेंट हैं। जो ये वाला टायर है ये 17,000 रुपये का है, और इको टायर जो है वो 18,500 रुपये का एक टायर है। तकरीबन जो इको टायर है वो 74,000 रुपये के चार टायर हैं, और जो दूसरा है वो 70,000 रुपये के चार टायर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं सर, फिर हम आज जो बात कर रहे हैं, जिस ब्रांड की बात करने जा रहे हैं, ये मेरा जाती तौर पे पसंदीदा तरीन फेवरेट ब्रांड है। जी, ये है सर BF गुडरिच। ये बेसिकली अमेरिका का, यूएसए का ब्रांड है, और स्पेसिफिकली यूएसए के लिए ही बनता है, और ज्यादातर जो है वो यूएसए में ही यूज होता है, बहुत कम जो है वो इम्पोर्ट होता है पाकिस्तान में। हम इसको स्पेशली मंगाते हैं जो हमारे कस्टमर्स जो टायर से बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं, जो अपनी गाड़ी की जो हाई स्पीड में ग्रिप, ट्रैक्शन, हर चीज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनको फिर हम BF गुडरिच रिकमेंड करते हैं। अच्छा, ये वाला टायर सर, इस टायर का नाम है जी ग्रिप, 195-65-15 BF गुडरिच जी ग्रिप। ये वाला टायर जो हाईवेज हैं उनके ऊपर बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्म करता है, लेकिन जैसे ही आप इसको ऑफ रोड उतारते हैं, कच्चे में उतारते हैं, ग्रेवल पे उतारते हैं, तो
तो ये अपनी ग्रिप लूज नहीं करता बल्कि इम्प्रूवमेंट देता है। फिर इसका एक और सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये क्योंकि बी एफ गुडरिज अमेरिकन टायर है तो ये माइलेज में अमेरिका के टायर माइलेज में सर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, यूएसए के जो टायर है क्योंकि वहां पे लॉन्ग रूट चलते हैं लोग बहुत ज्यादा माइलेज डालते हैं टायर्स के ऊपर, तो ये वाला टायर 1,00,000 किलोमीटर से ज्यादा माइलेज देता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बहुत कम टायर्स हैं जो 1,00,000 किलोमीटर से माइलेज का ज्यादा माइलेज दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमने अभी ब्रिजस्टोन की बात की थी तो ब्रिजस्टोन आपको तकरीबन 70,000 से 80,000 किलोमीटर मैक्सिमम माइलेज देता है, लेकिन उसके मुकाबले में जो बी एफ गुडरिज है ये आपको 1,00,000 किलोमीटर से ज्यादा माइलेज देगा। ठीक हो गया। इसकी प्राइस? इसकी प्राइस सर जो कंपनी का रेट है वो है 25,500, लेकिन ये स्पेशल डिस्काउंट पे ग्लोबल टायर पे 24,000 पे पर टायर तकरीबन 96,000 पे के चार टायर अवेलेबल है। जी ठीक है। उसके बाद सर हम आगे चलते हैं, फिर दूसरा अमेरिकन ब्रांड आ जाता है गुडियर का। तो गुडियर का एफिशिएंट स्पोर्ट का टायर है, ये भी उसी कैटेगरी में शुमार होता है अमेरिकन टायर्स की, लेकिन ये जरा हाईवे स्पीड के लिए स्पेक्ट है, ये स्ट्रेट लाइन स्पीड है। आप इसकी देखेंगे कि ग्रूव्स इसके बिल्कुल स्ट्रेट हैं, उसके मुकाबले में बी एफ गुडरिज के ग्रूव्स देखेंगे तो उनके अंदर जो है वो ज्यादा कट दिए गए हैं। ये वाला टायर जो है यह एच टी कंसिडर होता है हाईवे ट्रेन, ये वाला जो टायर है ये वाला मड प्लस स्नो ये ऑल ट्रेन कंसिडर होता है। इसके अंदर स्पेसिफिकेशन है ये अगर आपको गारे पे चलाना पड़े मड पे और अगर आपको हल्की बर्फ में चलाना पड़े स्नो पे तो ये दोनों में अपनी ग्रिप लूज नहीं करेगा। उसके बाद सर हम थोड़ी सी बजट टायर्स की बात करते हैं, क्योंकि ये तो हम बात कर रहे थे हाई स्पीड टायर्स की। जैसे बी एफ गुडरिज जो है वो 24,000 रुपए का एक टायर है और गुडियर जो है वो 20,000 रुपए का एक टायर है। ये तमाम थोड़े से एक्सपेंसिव कैटेगरी में आ जाते हैं। तो कई दफा कस्टमर्स पूछते हैं कि हमें बजट में अच्छा टायर चाहिए, बजट में नया टायर चाहिए, बजट में सस्ता टायर चाहिए, तो उसके अंदर फिर हम जो है वो रिकमेंड करते हैं ए प्लस को। ये चाइनीज ब्रांड है सर, ए प्लस का टायर है, पैटर्न बहुत खूबसूरत है लेकिन टायर रिलायबल है। चाइना में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि तलाल भाई ये चलेगा, ये कितना चल जाएगा और क्या हमें परेशान तो नहीं करेगा। तो ए प्लस का टायर जो है वो हम गारंटी के साथ कस्टमर्स को देते हैं, ये 50,000 किलोमीटर तक पुरसकून एवरेज देता है, आपको पुरसकून माइलेज देता है। आप 50,000 किलोमीटर चलाएं 2 से 3 साल के दरमियान फिर आप इसको चेंज कर दें। ये टायर बजट ऑप्शन है क्योंकि ये टायर जो है ये 42,000 के चार टायर अवेलेबल है। अब 96,000 और 42,000 तो तकरीबन आधे से ज्यादा का फर्क है। ये टायर जो है ये आपको तकरीबन 50,000 से 55,000 माइलेज दे सकता है। इसके मुकाबले में सर जो दूसरा टायर बजट में ही कैटेगरी में शुमार होता है वो जनरल का है। जनरल का टायर पाकिस्तान में बहुत सारी गाड़ियों के साथ लग के भी आ रहा है। ये 195/65 यूरोस्टार है। यूरोस्टार का फायदा ये है कि ये डी टायर शुमार होता है, इसके अंदर जो है वो जाला मजबूत होता है तो ये कच्चे पक्के में अच्छा चल जाता है, लेकिन उसके मुकाबले में थोड़ी हार्डनेस है। यूरोस्टार थोड़ा हार्ड है, ए प्लस जो है वो थोड़ा सॉफ्ट ज्यादा है। इसमें आप शहर में अगर आपकी गाड़ी ज्यादा चलती है, आपको कंफर्ट रिक्वायर्ड है, तो फिर आप ए प्लस कंसिडर करें, और अगर आप हार्डनेस जो मतलब गाँव की तरफ कच्चा पक्का उस तरह का आपका ये रूटीन है तो फिर आप यूरोस्टार भी डाल सकते हैं। यूरोस्टार की सर इस टाइम प्राइस है 50,000 के चार्ट है। तो ये जो है ये हमने आज कोई जिक्र किया जो हाई ब्रांड टायर्स हैं, ब्रिजस्टोन का, हैनकुक का, बी एफ गुडरिज का और गुडियर का। अब बी एफ गुडरिज और गुडियर जो है ये आपको स्पेसिफिकली ग्लोबल टायर पे मिलेंगे, ये अमेरिकन टायर्स हैं, परफॉर्मेंस टायर्स हैं, उसके मुकाबले में ब्रिजस्टोन भी अवेलेबल है। और हमने आज बात की लो बजट टायर्स की। तो सबसे ज्यादा एक और इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि अगर हम आप हमारी गाड़ी है, घर की गाड़ी है, थोड़ा सा यूज होती है, तो क्या हम ब्रांड की तरफ जाएं या लो बजट टायर की तरफ जाएं? तो फिर उनको हम ऐसे सूरत में रिकमेंड करते हैं कि आप हमेशा मिडिल ग्रेड टायर लें। मिडिल ग्रेड टायर का आपको फायदा ये होता है कि आपको रिलायबिलिटी भी मिलती है, आपको परफॉर्मेंस भी मिलती है और आपका बजट भी जो है वो बहुत ज्यादा एक्सीड नहीं करता। तो जैसे हमने नैनकिंग इकोनेक्स की बात की, ये वाला 70,000 में मिडिल ग्रेड टायर है, ये आपको दोनों जो एक्सट्रीम्स हैं उनके मुकाबले में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। बेहतरीन हो गया सर, इतनी अच्छी मालूमात, इतना अच्छा डिटेल बताना। व्यूवर्स अगर आप तलाल साहब के पास आएंगे तो यकीन करें कि आपको प्रॉपर टाइम देते हैं, कस्टमर को पूरा एक एक करके गाइड करते हैं। अगर आप ये वीडियो में देख लें तो मैंने उन्हें जल्दी डाली होती है, नहीं तो ये एक टायर पर ही कम अज कम 20-25 मिनट लगा दें। अल्लाह के फजल से बहुत नॉलेज है इनके पास। तलाल साहब बहुत शुक्रिया, आपके पास तो परमानेंट हमने अब समझे आने जाना पक्का हो गया हमारा। कोई मसला नहीं भाई, मोस्ट वेलकम। अपनी शॉप का नाम और एड्रेस बता दें। जी, मेरी शॉप का नाम है न्यू ग्लोबल टायर्स, ये सादी रोड सदर रावलपिंडी में है और
फोन नंबर है 0332587914।